मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से मिलाने को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक जीरो प्लस धनात्मक संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से मिलाने को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। देखो, पूर्णांक जो भी रही है जीरो हो गई, है धनात्मक संख्या हो गई, है क्या हो गई? ऋणात्मक संख्या। तो याद रखिए कि धनात्मक संख्याएं जो होती है ना, वह जीरो से क्या होती है? बड़ी होती है। जीरो से क्या होती है? बड़ी होती है। कौन? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या क्या होती है? जीरो से बड़ी होती है। और ऋणात्मक संख्याएं जीरो से क्या होती है? छोटी होती है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? जीरो से छोटी होती है। और धनात्मक संख्याएं जीरो से क्या होती है? बड़ी होती है। पूर्णांक जब भी चुने के कहे तो करे में प्लस रही, माइनस रही, प्लस रही, माइनस रही। अब देखा ऐसे एक लिखल बात एक समझबा कि इक्यावा प्लस में तो एक पूर्णांक है। हाँ, एक क्या है? पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। जीरो पूर्णांक है। हाँ, जीरो पूर्णांक है। माइनस एक पूर्णांक है। हाँ, माइनस एक पूर्णांक है। लेकिन यह कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और प्लस एक कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक संख्या किससे बड़ी होती है? जीरो से। धनात्मक संख्या किससे बड़ी होती है? शून्य से। शून्य से धनात्मक संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। और ऋणात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। तो अब तरह से कोई पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से मिलाना। देखला, सम्मिलित रूप से अगर क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ऋणात्मक प्लस जीरो प्लस धनात्मक, तो देखा यहाँ तो दाया है, तो दाई और कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। और बाई और कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। और शून्य कहाँ है? बीच में। शून्य कहाँ है? बीच में। तो एने धनात्मक संख्या हुई, एने क्या हुई? ऋणात्मक संख्या। और बीच में क्या हुई? शून्य हुई। बीच में क्या हुई? शून्य। तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। फिर से बोलो, ऋणात्मक प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से मिलाने को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। धनात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती है? बड़ी होती है। और ऋणात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती है? छोटी होती है। समझ गए पूर्णांक का? आगे देखा परिमेय संख्या। ये दोनों के परीक्षा में परिभाषा भी लिखे क्या वाला, और सबसे अच्छा उदाहरण आवेला कि इसमें से चुनिए कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो तीन गो परिमेय हो, एगो परिमेय ना हो। तो सबसे पहले ऑप्शन पे भी ध्यान रखे के बाद, और क्वेश्चन के भी क्या करे के बाद? पूरा पढ़े के बाद। क्वेश्चन के क्या करे के बाद? पूरा पढ़े के बाद कि क्वेश्चन अंत तक क्या कह रहा है। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। P बटा Q का अर्थ होगा कि जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। कैसा लिखा जाए? अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। P क्या हो गया? अंश हो गया। और नीचे क्या हो गया? हर हो गया। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है? अंश बटा हर के रूप में, यानी P बटा Q के रूप में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो जीरो के, यानी कि हर में जीरो नहीं आना चाहिए। हर में जीरो नहीं आना चाहिए।
देखा बोला वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक हो, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक हो तथा तथा क्यू बराबर नहीं हो जीरो के, क्यू बराबर नहीं हो जीरो के यानी क्यू इक्वल नॉट जीरो यानी क्यू जो है ना जीरो के बराबर नहीं है यानी कि हमेशा हर में जीरो नहीं आना चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। अब तरह से प्रश्न उठो ताकि शून्य परिमेय संख्या है जेकरा बटा में एक छिपल हो का है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या तो जीरो का है परिमेय संख्या, जीरो का है परिमेय संख्या, जीरो का है परिमेय संख्या, एक क्या है परिमेय संख्या, दो का है परिमेय संख्या और रूट 49 का है परिमेय संख्या। ये बात भी ध्यान रखिए वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो 49 का वर्गमूल निकाला जा सकता है इसलिए 49 क्या है परिमेय संख्या, 49 क्या है परिमेय संख्या, 49 क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो तीन रूट दो बटा में रूट दो तो देखो रूट दो से रूट दो का हो जाए कैंसिल हो जाए तो तीन का हो परिमेय संख्या है, तीन का है परिमेय संख्या है। अब देखो रूट 16 गुने रूट 25, रूट 16 गुने रूट 25 तो रूट 16 के वर्गमूल 4 हो गए 25 के वर्गमूल कितना हो 5 तो पंचाऊ के 20 तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ p और q पूर्णांक होता था, q बराबर नहीं हो जीरो के यानी कि बटा में जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो क्या है परिमेय संख्या है और सबसे समझ गया कि जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो जीरो के, q बराबर नहीं हो जीरो के जैसे रूट 7, रूट 7 का वर्गमूल निकल सकता ना तो हम अभी बताएं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे बोल रूट 12, रूट क्या हो गए 12 और तीन रूट दो बटा में रूट 3 ये सब संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अब परीक्षा में दी कि दो गो संख्या सेम बा और दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है तेकर गुणनफल का हो 3 हो तो यह एक क्या है परिमेय संख्या यानी कि दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है परिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। तीन प्लस रूट दो कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, है तो परिमेय है लेकिन है क्या है अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है अपरिमेय, अपरिमेय होता है। दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है परिमेय होता है, दो समान संख्याओं का गुणनफल क्या होता है परिमेय होता है, समझ में आ गई। तो एगो रूट टू दे दी एगो रूट तीन दे दी तो दोनों असमान परिमेय संख्या है तो इनका गुणनफल भी क्या होगा अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय। सबसे बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है पाई, तू समझ पाई के मान 22/7 हुई तो पाई का है परिमेय संख्या,
क्या है परिमेय संख्या, परीक्षा में गलत हो जाए। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। हमेशा एकदम बैठा लिया ध्यान में कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या, फिक्स बाकी एग्जाम्पल में वाला पूछेगा पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। समझ में आये? अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से मिलाना वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या के बारे में जान गिल बड़ा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो जीरो, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो जीरो के। परिमेय संख्या के एक और फॉर्मूला याद करने जो, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम तरह बता देने दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, दो असमान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय होता है। अब प्रश्न उठेला कि बताओ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है नहीं हो सकत, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो सकता नहीं क्यों हो सकत। अब कुछ क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या ना परिमेय हो या ना अपरिमेय, ये हमेशा ध्यान में रखिए। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है नहीं परिमेय संख्या। तो कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मान को सम्मिलित रूप से क्या करना मिलाना क्या कहलाता है वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या वो 7/3 और √3/7 का हुए अपरिमेय संख्या हुए, क्या कहा गया वास्तविक संख्या।